बंगाल चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को है। इसके पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। अब बंगाल चुनाव के प्रचार में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की एंट्री हो चुकी है। इसकी झलक उस वक्त मिली जब कन्हैया कुमार ने लेफ्ट के कैंडिडेट साकेत गिरी के लिए मेदिनीपुर के पटासपुर में रैली की। रैली में भाषण देने के दौरान कन्हैया कुमार ने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कन्हैया कुमार के मुताबिक लेफ्ट के उम्मीदवार के पास विजन भी है और बंगाल के विकास का रोडमैप भी। कन्हैया कुमार का मानना है कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कुछ नहीं बदला है। टीएमसी के कई नेता भागकर बीजेपी में आ गए हैं। उन्हें के नाम पर बीजेपी बंगाल में परिवर्तन की बात कर रही है। पहले जिनकी तस्वीर ममता बनर्जी के साथ थी, अब उनकी तस्वीर पीएम मोदी के साथ दिख रही है। दल बदल करने वालों को बंगाल के विकास की फिक्र नहीं, उन्हें खुद के विकास की चिंता है। कन्हैया कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जीत के दावे पर भी तंज कसा। कन्हैया का कहना है कि जब सब कुछ पहले से ही तय है तो चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। बीजेपी के जय श्री राम और टीएमसी के खेला होबे के बावजूद मेदिनीपुर की धरती से बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। बंगाल का बदलाव नारे से नहीं होगा, इसके लिए काम करने की जरूरत है। अगर कन्हैया कुमार की बात करें तो जेएनयू कैंपस में कथित देश विरोधी नारेबाजी को लेकर वो सुर्खियों में आए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार ने बिहार के बेगूसराय सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में कन्हैया कुमार को हार मिली थी। पिछले साल बिहार चुनाव में भी कन्हैया कुमार एक्टिव हुए थे, जबकि रिजल्ट निकला तो एनडीए को बहुमत मिल गया। इस बार बंगाल चुनाव में भी कन्हैया कुमार प्रचार में जुट गए हैं। इस अपडेट में इतना ही। बंगाल चुनाव की हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।